कांटी थाना अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के कोठिया निवासी रंजीत सहनी के लगभग 5 वर्षीय पुत्री बेबी कुमारी की मंगलवार को चकिया में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं रंजीत सहनी की पत्नी कविता देवी भी सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। खबर कोठिया पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग चकिया पहुंच गए। लोगों ने बताया कि रंजीत सहनी की पत्नी कविता देवी और बेटी बेबी कुमारी के साथ कई लोग शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार के यहां टेम्पल से जा रहा था। इसी दौरान चकिया में टेम्पल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने बताया कि दुर्घटना में घटनास्थल पर ही बेबी कुमारी की मौत हो गई, जबकि कविता देवी की कमर टूट गई है, जिसके कारण उसे बेहतर इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया है। वही सब घर पहुंचते ही कोहराम मच गया और तस्वीरें जो है सबसे तेज खबर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं साफ तौर पे लोगों का जो है घर पे काफ़ी भीड़ है। नगर परिषद कोठिया के यह तस्वीरें जो है अभी आपको सजा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, खुद सुनिए। सूचना मिला है हम लोग को करीबन 12 बजे के आसपास की, देवधारी सैनी के पोती रंजीत कुमार का लड़की जो है वो अपने ममर गई है और वहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में जा रही थी और वह रामपुरवा में गाड़ी 3-व्हीलर से जो है एक्सीडेंट कर गई है। और जैसी सूचना मिला है गोलू जी को हम बताए हैं और गोलू जी उर्फ अभिषेक जी उर्फ गोलू जी मेरे साथ गए पकड़ी दियाल और वहाँ से जो है पोस्टमार्टम के पेपर लेके और थाना में सूचना देकर और वहाँ से हम लोग चले गए सदर हॉस्पिटल मोतिहारी और वहाँ से पोस्टमार्टम करा के अभी जस्ट लौटे हैं। नाम क्या आपका? मेरा विनोद कुमार सहनी, वार्ड पार्षद नगर परिषद 13 से। बताइए वहाँ पे गए थे, क्या स्थिति देखने से लग रहा था? देखिए बहुत भयावह स्थिति था, चूँकि टेम्पू पलटा है और इनका 2 पुत्र और 1 पुत्री और इनकी रंजीत कुमार सहनी जी की पत्नी थी, तो पत्नी की भी के रीढ़ के पीछे का जो है वो हड्डी टूटा है, काफ़ी सीरियस पोजीशन में है। पहले तो वहीं स्थानीय पकड़िए दयाल अस्पताल में इलाज चला, फिर हम लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ भेजिए, तो फिर उसका मेडिकल में इलाज करवाएं और फिर वहाँ बेहतर सुविधा के लिए सब लोगों के विचार से हम लोगों ने वहाँ ब्रजेश कुमार के यहाँ एडमिट कराया है और 1 पुत्री की वही ऑटो में ज़्यादा वजन पड़ने के कारण, चूँकि पेट पर वजन पड़ा और बच्चे का उम्र बहुत कम था, तो वहीं पर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो हाँ, बेटी एक थी और 2 बच्चे हैं और 4.5 वर्ष का वही पुत्री थी उसकी। कितने बजे की घटना है? घटना सुबेरे 10 बजे के आसपास की घटना है। हम लोग वहाँ वो अपने संबंधी के यहाँ गई हुई थी और जा रहे थे, रास्ते में ही थे पकड़ी दयाल से, फिर वहाँ से ऑटो से वो लोग जा रहे थे और कोई अनियंत्रित गाड़ी आई, शायद ऑटो पलटा और उसी बीच वो लोग दब गया उसी में। हाँ, लड़की का भी एक्चुअली हम लोग भी नाम पता नहीं है, एक लड़की इन्हीं का लड़की है, वो देहांत हो गया है, स्पॉट डेथ हो गया है, वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है मोतिहारी जिला। देखिए ये लोग शादी में जा रहा था, इसी क्रम में रास्ते में ही हो गया था 3 चकवा पे।